बिजनौर के दरगाह आलिया नजफ हिंद जोगी रामपुरी में सालाना मजलिसों को लेकर मुंसिफ टीवी चैनल की टीम वहां पहुंची, जहां बिजनौर जिला के एसपी ग्रामीण रामअर्ज ने मजलिस के दौरान पुलिस सिक्योरिटी और अन्य मुद्दों को लेकर सुरक्षा का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मजलिस के दौरान पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहेगा। कहीं भी किसी भी समस्या को लेकर पुलिस हर समस्या से निपटने के लिए तैयार है। पार्किंग के लिए प्रॉपर व्यवस्था की गई है। इसको लेकर दरगाह की कमेटी के अधीक्षक इरम जैदी अब्बास से मुंसिफ टीवी के संवाददाता ताबिश मिर्जा ने भी खास बातचीत की। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा, हम लोगों ने अभी फोर्स की ब्रीफिंग किया है। ये परंपरागत जो यहाँ 4 दिवसीय उर्स होता है, उसके लिए जो है मुकम्मल पूरी व्यवस्था की गई है। हम लोगों ने यहाँ इस पूरे दरगाह क्षेत्र है, इसको पूरा सेक्टर जोन में बांट करके यहाँ ड्यूटियाँ लगाई हैं। हमने चेकिंग की प्रॉपर व्यवस्था किया है, फायर सर्विस एंटी सेप्टा चेक की व्यवस्था किया है, पार्किंग की व्यवस्था किया है। सारी व्यवस्थाएं हमने यहाँ किया, मुकम्मल व्यवस्था हमारी है। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे और वीडियो कैमरे, इन सबों के माध्यम से हम निगरानी करेंगे। और जैसा कि यहाँ ये बड़ा विश्व प्रसिद्ध स्थान है और परंपरागत रूप से यहाँ हर साल उर्स का आयोजन होता है, और इस बार भी हम लोग पूरी मुकम्मल व्यवस्था के साथ एक अच्छा जो है कार्यक्रम जो है संपन्न कराएंगे। इसके लिए जो इंतजामिया कमेटी है उनका भी पूरा सहयोग मिल रहा है और प्रशासन का भी पूरा सहयोग है। तो मौजूद है जनपद बिजनौर के जोगीरामपुरी में, सालाना मजलिस को लेकर आज हम पहुंचे हैं दरगाह आलिया। मैं आपको थोड़ी तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि ये वो मौला अली का दर है जहां पे लाखों जैन यहां पर आते हैं, सालाना मजलिस में अपनी हाजिरी देते हैं। लगातार देखिए लेडीज़ कुनबा यहां मातम कर रहा है, मौला अली को याद कर रहा है। मेरे साथ खसूसी प्रोग्राम लगातार यहां पर चलते हैं, मेरे साथ दरगाह की कमेटी भी है, अध्यक्ष जी मेरे साथ हैं, इरम जैदी साहब, बात करते हैं सालाना मजलिस को लेकर क्या क्या व्यवस्था दरगाह पर है। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम इरम अली जैदी है, दरगाह आलिया नजफ हिंद जोगीपुरा का अध्यक्ष हूँ। यहाँ जो है 25 से 28 तक जो हमारे सालाना मजलिसें होती हैं उसके लिए दिन करीब आ गए हैं। आज 24 तारीख है, कल से मजलिसें स्टार्ट हो जाएंगी। जायरीन आने शुरू हो गए हैं, उन्हीं के इंतज़ाम में हम लगातार एक महीने से उनकी तैयारी कर रहे हैं। अब 8-10 दिन से कंटिन्यू जो है प्रशासनिक मीटिंग हो रही है, आज भी मीटिंग थी, कल भी मीटिंग हो रही थी। और जो जायरीन यहाँ लोग जो जायरीन आ रहे हैं, हमारी तरफ से, हमारी कमेटी की तरफ से यही कोशिशें की जा रही हैं कि उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। रेलवे स्टेशन पे हमने अपना एक कैंप लगवा दिया है दरगाह आलिया नजफ हिंद की तरफ से, जहाँ भी किसी को, जो भी लोग ट्रेन से उतरे हैं वहाँ हमारा कैंप लगा हुआ है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो वहाँ अपना जाके पूछ लें। और ऐसे ही इसी तरह हमने बस स्टैंड पर भी अपना व्यवस्था कराई है कैंप की। तो इसी तरह जो है हम लोग जायरीन जैसे बसों से, ट्रेन से आ रहे हैं, हमने स्पेशल 20 बसें इस ARM से कह के, ARM साहब से कह के चलवाई हैं जायरीनों के लिए। कंटिन्यू हमारी यही तैयारी है कि जो भी जायरीन यहाँ आए उन्हें रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी ना।